कर्नाटक के चामराजनगर चलते हैं, जहां पर जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ತಲುಪುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವನವಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ದೀನರ ದಲಿತರ ಬಡವರ ರೈತರ ಯುವಕರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ವನವಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು। ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀನೆ 15 ನವೆಂಬರ್ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಜೀ ಕೆ ಜನ್ಮದಿನ ಕೋ ಹಮಾರಾ ಅಪ್ನಾ आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाना तय किया है। उसी तरीके से नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत हमारे आदिवासी भाइयों का योगदान इसको भी देश के सामने रखने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। उसी तरीके से देश में 27 ट्राइबल रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे, 27 ट्राइबल रिसर्च सेंटर, जहां ट्राइबल भाइयों ने देश के विकास के लिए जो कार्य किया है उसको आगे उजागर करके रखा जाएगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि ट्राइबल प्रति व्यक्ति एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारा ट्राइबल सब प्लान को भी बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारे ट्राइबल यानी आदिवासी भाइयों के गांव को आदर्श गांव बनाने का जो संकल्प है उसमें 36,428 गांव को जोड़कर उसको भी बढ़ाने का प्रयास हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज मैं जब यहां पर आया हूं और सोनिका कम्युनिटी से मैं मिल रहा हूं, हमारे उन जनजातियों भाइयों से मिल रहा हूं, बहनों से मिल रहा हूं, तो आपको विश्वास दिला के जाना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार में येडियुरप्पा जी के आशीर्वाद से और बोमई जी की मेहनत से हम यहां की भी तस्वीर और तकदीर बदल के दिखाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटक। तो आप देख रहे थे चामराजनगर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे